प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आज जो स्कूलों में हम बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहे हैं वो क्या सफिशिएंट हैं, और स्कूल का क्या रोल होता है स्पोर्ट्स एजुकेशन को प्रमोट करने में, और स्पोर्ट्स का स्कूल एजुकेशन में क्या बढ़ावा देना कैसे चाहिए। और जैसे कि टॉपिक यही रखा था कि रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल एजुकेशन, तो हमारे सामने जितने भी जैसे अभिभावक भी थे, प्रेस रिपोर्टर्स भी थे और स्पोर्ट्स अचीवर्स भी थे, तो जो डिस्कशन हुई उसके बाद यही सामने आया कि हमारे स्कूलों में अगर स्पोर्ट्स को एनफ फैसिलिटीज़ दी जाए और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक गेम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और बच्चों को अगर बताया जाए कि उनके आगे करियर भी काफ़ी हैं अगर वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो ना केवल अपने स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं बल्कि हर एक करियर को में अच्छा करने में स्पोर्ट्स सहायक होती हैं, उनकी पढ़ाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस में स्पोर्ट्स सहायक होती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से बच्चा ना केवल फिजिकली फिट होता है उसकी मेंटल फैकल्टीज भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं। हमारे स्कूल के अंदर ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं बच्चों को खेलने के लिए, फ्री कोचिंग देते हैं हम काफ़ी सारी गेम्स में, और हमारे पास पूरे अच्छे प्ले ग्राउंड्स हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, फ्री कोचिंग्स इवनिंग मॉर्निंग क्लासेस लगती हैं, और इसके अलावा फ्री कंसेशंस, फ्री कोचिंग, फ्री कंसेशंस और स्कॉलरशिप्स देते हैं। फिर इन लैक्स इनकी फी जाती है, एंट्री फी, जब ये इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं हम इनको वहाँ फ्री इनका स्पॉन्सर स्कूल से करते हैं, इनका कोई खर्चा नहीं होता, इनके खाने पीने का ध्यान, इनका रहने का पूरा अच्छा इंतज़ाम हम स्कूल से करवाते हैं, विद द रिज़ल्ट क्या है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे जा रहे हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, प्रिया श्रीलाल है जो क्लास 12th में पास आउट हुई, उसने पिछले बार स्कूल में 96.2% लिए साथ में स्पोर्ट्स के साथ खेलने में उसको कम से कम भी उसके पास 100 मेडल्स थे, इंटरनेशनल लेवल तक वो खेली है। इसी तरह अभी दीपशिखा लास्ट ईयर क्लास 10th में थी, उसके भी 70% मार्क्स आए खेलने के बावजूद भी, और लास्ट में 15 दिन पढ़ के भी वो बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर। किस किस स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल बच्चे खेल चुके हैं? बैडमिंटन में खेल चुके हैं, टेनिस में खेल चुके हैं, ये रोलर स्केटिंग में खेल चुके हैं, फुटबॉल में खेल चुके हैं, सभी काफ़ी गेम्स में हमारे बच्चे आगे तक पहुंच चुके हैं। अभी लास्ट ईयर हमारा बच्चा एक चिन्मय चौहान स्पेन टेनिस एकेडमी में इंटरनेशनल लेवल की, वो सबसे बड़ी एकेडमी है, उसमें एडमिशन लिया है उसने। स्पोर्ट्स कोटा में हमारे स्कूल से कम हर साल 30 स्टूडेंट्स गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर प्रोफेशनल कॉलेजेस इन द स्पोर्ट्स कोटा ओनली, तो स्पोर्ट्स के लिए हम सारा इनको फैसिलिटेट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज दूंगी कि उनको आज स्टूडेंट्स जो हैं उनके फिजिकल स्टेमिना नहीं है, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि हर बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स जरूर खेले, एक स्पोर्ट्स जरूर अडॉप्ट करे, जिससे कि उसको अच्छा भी लगेगा। मैंने देखा पेरेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई के दिनों में बच्चों को खेलना नहीं है। मैं यहाँ कहती हूँ कि बेटे आपने पढ़ाई के दिनों में भी, एग्जामिनेशंस के दिनों में भी घंटा दो घंटे कम से कम जरूर खेलना है हर बच्चे को, ताकि वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म और रिलैक्स कर सके, और बॉडी फिट होगा तभी तो वो पढ़ पाएगा। अगर बॉडी फिट नहीं है, मेरा स्टेमिना ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, थैंक यू।